और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरी जासूसी करवा रहे हैं। साथ ही साथ गहलोत ने कहा कि मेरा फोन भी टेप कराया जा रहा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने सभा में कहा था कि बार बार दिल्ली जाते हैं गहलोत, और इसके जवाब में गहलोत ने जासूसी का आरोप लगाया है। तो क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आप सुनिए। तो सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी उनकी जासूसी करा रहे हैं, उनका भी फोन टेप कराया जा रहा होगा। ये भी बात सीएम अशोक गहलोत ने कही है और मुख्यमंत्री यहां पर अपने गृहनगर जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने कहा कि मोदी दो दिन पहले जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगा रहे थे कि गहलोत जयपुर में कम रहते हैं और दिल्ली ज़्यादा जाते हैं। गहलोत ने हंसते हुए इसका जवाब भी दिया, कहा कि इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जासूसी करा रहे हैं। इस पर सभी हंसने लगे, लेकिन गहलोत ने बाद में कहा कि ये बड़ी गंभीर बात है, उनको इसे दिखवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर पर प्रधानमंत्री की खुद पर कही गई बातों के जवाब दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है बजरी की कोई समस्या नहीं रहेगी, जो देश का दुनिया का मानव इकोनॉमिस्ट है वो कह रहा कोई समस्या नहीं रहने वाली इसके अंदर बजट की। और ये भी कहा उन्होंने नरेगा जब आया था तब भी बीजेपी लोग ही कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आया नरेगा लागू हुआ, आपने कमजोर किया वापस मजबूत करें राजस्थान के। मोदी जी वोट देने के बाद जो धज्जियां उड़ाते हैं कम शोभा देता ही है, वोट दे के बाहर निकलते हैं और गाड़ी के चढ़ कर के गाड़ी पर और आप रोड शो करते हुए जाते हो, पूरा देश दिख रहा है। तो पूरा देश प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के एक्शन से लोग प्रेरित होना चाहिए। क्या आप प्रेरणा दे रहे हो? बाकी जगह पुलिस रोकती है, आप 5 लोग भी नहीं आ सकते साथ में, और आप प्रधानमंत्री होकर के गुजरात चुनाव के निर्णय से क्या आप जैसे कह रहे हैं। एक बार और आपको इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जब मैं गुजरात का इंचार्ज था मोदी जी ने मेरा नाम ले लेके कहा कि राजस्थान का अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री इसने पानी रोका गुजरात आने से, माई का पानी हमारा समझौता था पानी नहीं आने दिया, आपने अन्याय किया है गुजरात वासियों आपके साथ में, ये अशोक गहलोत वही घूम रहा है यहाँ पर जिसने अन्याय किया आपके साथ में, तो आप अन्याय वहां की जनता के साथ में किया, मैं यहाँ की जनता के साथ में किया बता दीजिए, यहाँ क्या उसकी बात बोल ही नहीं रहे हो। ये थोड़ी कहा उन्होंने आकर के कि भाई आपके अशोक गहलोत ने हमें तंग किया, वो बहुत वहां पे पानी नहीं पीना पड़े, ये क्यों नहीं बोले आप? आज सारी संस्थाओं के साथ खतरे के अंदर है, RBI जुडिशरी इनकम टैक्स CBI ED तो ही है, उनको तो पूरा मिसयूज कर रहे हैं उनका तो, परंतु जिस रूप में ये बाकी संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, प्लानिंग कैबिनेट खत्म कर दिया, कोई कारण नहीं था। योगी आदित्यनाथ मोदी सेना 70 साल से हमने सेना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान 7 साल आजाद हुए थे, 70 साल के बाद हम सौभाग्यशाली हैं कि खुली हवा में सांस लेने का वक्त मिला हम लोगों को, और पाकिस्तान में तब से ही बार बार सैनिकों का शासन हुआ, धज्जियां उड़ गई लोकतंत्र की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई और भी आरोप लगाए हैं, क्या कुछ और उन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी आप सुनिए।
मोदी जी मेरी जासूसी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब मैं ये आरोप भी लगाऊंगा मोदी जी मेरी जासूसी करवा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात बता दी आपने कि मैं कब कब दिल्ली जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे टेलीफोन टेप करवा रहे होंगे मोदी जी, जासूसी करें मेरी, मेरे हर पल का वो खबर रखते हैं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और भी खतरनाक है। यहाँ पता ये बड़ी सीरियस बात है, मोदी जी मेरी जासूसी करवा रहे हैं। मैं कितनी बार दिल्ली जाता हूँ ये सब जानकारी वो रख रहे हैं, वो कौन होते हैं रहने वाले कानून किस कानून लिखा होगा आप जासूसी कर सकते हो, ये कानून को तोड़ने की बात कर रहे हो, ये IPG में क्राइम है ये तो नहीं, वो भी हो रहा है तो जासूसी करना अपना में क्राइम है, अब मुझे तो दिखाना पड़ेगा उसको। जो राहुल गांधी लेके आए न्याय योजना बहुत सारा गरीब हटाने के लिए, उससे घबराएंगे मोदी जी, किसान बजट अलग पेश करेंगे कांग्रेस, ऐसा नहीं फैसला है न्याय की तरह की, मैं इसको बड़ा फैसला मानता हूँ, किसानों का बजट पूरे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होकर के पास होना, ये एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा ये फैसला, देश के इतिहास में भी और कांग्रेस के इतिहास के अंदर भी। बजट की कोई समस्या नहीं रहेगी, जो देश का दुनिया का मानव इकोनॉमिस्ट है वो कह रहा कोई समस्या नहीं रहने वाली इसके अंदर बजट की, और ये भी कहा उन्होंने नरेगा जब आया था तब भी बीजेपी लोग ये कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आया नरेगा लागू हुआ, आपने कमजोर किया वापस मजबूत करे राजस्थान के अंदर। मोदी जी वोट देने के बाद जो धजिया उड़ाते हैं कम शोभा देता ही है, वोट दे के बाहर निकलते हैं और गाड़ी के चढ़ कर के गाड़ी पर और आप रोड शो करते हो जाते हो, पूरा देश देख रहा है, तो पूरा देश प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के एक्शन से लोग प्रेरित होना चाहिए, क्या आप प्रेरणा दे रहे हो, बाकी जगह पूरी रोकती है आप 5 लोग भी नहीं आ सकते साथ में, और आप प्रधानमंत्री होकर के गुजरात चुनाव का निर्णय सही किया, आप भी ऐसे कर रहे हैं, हमें पूरी कवरेज मिलती नहीं है कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं मिलती है, सबको नहीं मिलती है, जब जब आपका मूड ठीक हो उसका नेतृत्व को भी लाइव कर दे। तो चलिए आप वो भी सुनिए कि इसके बाद उन्होंने और क्या क्या कुछ कहा है। मेरा नाम ले लेके कहा कि राजस्थान का अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री इसने पानी रोका गुजरात आने से, माई का पानी हमारा समझौता था पानी नहीं आने दिया, आपने अन्याय किया है गुजरात वासियों, आपके साथ में ये अशोक गहलोत वही घूम रहा है यहाँ पहाड़ जिसने अन्याय किया आपके साथ में, तो आप अन्याय वहाँ की जनता के साथ में किया, मैं यहाँ की जनता के साथ में किया बता दीजिए, यहाँ क्या आप उसकी बात बोल ही नहीं रहे हो, ये थोड़ी कहा उन्होंने आकर के कि भाई आप क्या जो विरोध है हमें तंग किया वो बहुत वहाँ पर पानी नहीं पीना हमारे यहाँ, ये क्यों नहीं बोला आप। मोदी सेना 76 साल से हमने सेना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान 7 साल आज़ाद हुए थे, 76 साल के बाद हम सौभाग्यशाली है कि खुली हवा में सांस लेने का वक्त मिला हम लोगों को, और पाकिस्तान में तब से ही बार बार सैनिकों का शासन हुआ, दजिया उड़ गई लोकतंत्र की। आज सारी संस्थाओं के साथ खतरे के अंदर है, RBI, जुडिशरी, इनकम टैक्स, CBI, ED तो ही है, उनको तो पूरा मिसयूज कर रहे हैं उनका, परंतु जिस रूप में ये बाकी संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, प्लानिंग कैबिनेट खत्म कर दिया, प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर बातचीत करें रास्ता निकाले, देश की जुडिशरी अगर ये स्थिति बनेगी 4 जनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े CJI के खिलाफ में मान्य रखते उसको अगर संभालते तो शायद ही नौबत नहीं आती आज हो जाइए, हमला क्यों हुआ पुलवामा के अंदर, आपने हमले की जिम्मेदारी लेने की बजाय आपने ध्यान डाइवर्ट करने के देश का उतना कामयाबी हो गए, आपने एयर स्ट्राइक की कोई बात नहीं, हमें सबको घर गए, कोई संदेह नहीं करता सेना के पराक्रम पर, सॉरी पर कभी भी नहीं किया, देश को गर्व देता है 62 के बारे में, 65 में, 71 में और कारगिल के अंदर
56 लोगों के घर में गया हूँ, शहीदों के घर में, कहा कि युद्ध हुआ था, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर। कभी भी आज तक हिंदुस्तान की जनता ने कोई राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता दिखाई, राहुल गांधी जी ने अभी एकजुटता दिखाई सरकार के साथ, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी या पुलवामा हमला हुआ, खुद ने मनगढ़ंत बातें कर दी और खुद ही उसके जवाब दे रहे हो। ये जो आपकी जो अप्रोच है, ये जनता अभी चारों को समझ चुकी।